इस दुनियाए फ़ानी में जब जब अल्लाह ताला की नाफ़रमानी बढ़ी और शिर्क व बिदत आम हुई तो अल्लाह ताला ने अपने बहुत से नेक बंदों को नबी बनाकर भेजा। ये अंबिया इकराम न सिर्फ अल्लाह का फरमान बंदों तक पहुंचाने वाले थे बल्कि उस ज़माने और आने वाले अदवार के लिए डर सुनाने वाले और निशान इबरत थे। उन्हीं पैगम्बरों में एक नबी हज़रत अलयसा अलैहिस्सलाम भी थे। हज़रत अलयसा अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान मजीद में सूरह अनाम और सूरह साद में आया है। अल्लाह ने कुरान मजीद में हज़रत अलयसा का जिक्र कुछ यूं किया है, हमने औलाद इब्राहिम में से पैदा किया इस्माइल, अलयसा, यूनुस और लूत को और सबको फजीलत दी दुनिया वालों पर। कुरान मजीद में अलयसा अलैहिस्सलाम का सिर्फ नाम जिक्र हुआ है जबकि तौरात में आप अलैहिस्सलाम का तफसीली जिक्र मौजूद है। तौरात के बाबे सलातीन में हज़रत अलयसा का जिक्र कुछ यूं है, खुदावंद ने उससे फरमाया निकल और बयाबान की राह ले और अबील महूला के अलयसा बिन सफ़त को ममसू कर। चुनांचा उसने वहां से रवाना होके सफ़त के बेटे अलयसा को पाया जो हल जोतता था। वो ईलिया से गुजरा और अपनी चादर उस पर डाल दी, तब वो उठा और ईलिया के पीछे रवाना हुआ और उसकी खिदमत की। तौरात के इस वाकया के मुताबिक एक मरतबा हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम जबल हुराब के एक गार में इबादत करने के बाद दमिश्क वापस जा रहे थे कि अबील महूला के एक खेत में हज़रत अलयसा को हल चलाते देखा। आप अलैहिस्सलाम हज़रत अलयसा के पास तशरीफ़ ले गए और अपनी चादर अलयसा के कंधों पर डाल दी। इस वाकये के बाद अलयसा घर बार खेती बाड़ी और बस्ती छोड़कर इलियास अलैहिस्सलाम के पास रहने लगे। अलयसा अलैहिस्सलाम हज़रत इलियास की तरबियत में 7 साल रहे। 7 सालों बाद वापस अपने गांव तशरीफ़ लाए और ख़िदमत खल्क और तबलीग दीन में मसरूफ़ हो गए। दरअसल अलयसा अलैहिस्सलाम हज़रत इलियास के चचाजाद भाई थे। इलियास अलैहिस्सलाम वही बरगुजीदा पैगंबर हैं जिन्होंने किनानियों के मशहूर देवता बाल से जंग की थी। इलियास अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद अल्लाह ने आपको बनी इसराइल के लिए नबूवत अता की। रिवायतों के मुताबिक हज़रत अलयसा के वालिद का नाम अख्तूब था जबकि तौरात में उन्हें आमूस का बेटा बताया गया है जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बेटे अफ्राइम की औलाद में से थे। हज़रत अलयसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत इंतहाई पुरकशिश, पुरवकार और बारोक थी। आप आला और नफीस कपड़े पहनते थे, बाल कटे हुए और सवरे हुआ करते थे, हाथ में अमूमन असा होता था, तबीयत में सादगी और बेनियाजी थी, दिन भर खेतों में हल चलाते और रातों में इबादत इलाही में मसरूफ़ रहा करते। अलयसा अलैहिस्सलाम एक सियासी सूझबूझ और मामलात में बहुत समझदारी रखने वाले इंसान थे। आपके मुतालिक बहुत सारे मौजज़ात इस्लामी और इसराइली रवायतों में बयान किया गया है। मसलन एक मरतबा अहले अरीहा ने शिकायत की कि हमारे इलाके का पानी खारा है, आप दुआ फरमाइए कि वो पानी मीठा हो जाए। लिहाजा हज़रत अलयसा ने कुछ नमक लेकर दरिया में डाला तो उसका पानी मीठा हो गया। इसी तरह एक मरतबा हज़रत इलियास एक औरत के घर तशरीफ़ ले गए, उस औरत के यहाँ औलाद नहीं थी, लिहाजा आपने उसके लिए दुआ फरमाई तो अल्लाह ने उसे एक बेटा अता किया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो बच्चा मर गया। चुनांचा हज़रत अलयसा अलैहिस्सलाम दोबारा उसके घर तशरीफ़ लाए और उस मुर्दा बच्चे के लिए दुआ की तो वो ज़िंदा हो गया। एक मरतबा जब दमिश्क के बादशाह को बर्स की बीमारी हुई तो अलयसा अलैहिस्सलाम ने उसे अपने हाथ लगाए हुए पानी से नहाने को कहा जिससे वो बिल्कुल सेहतयाब हो गया। इसी तरह के बेशुमार मुआजजात व वाकयात हज़रत अलयसा के मुतालिक मंसूब है जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ने उनकी कौम पर यह हुज्जत तमाम की कि अलयसा अल्लाह के बरगुजीदा और सच्चे पैगंबर हैं जिन्हें एक बड़े काम के लिए मबूस किया गया है। दरअसल मूसा अलैहिस्सलाम के हमराह जब बनी इसराइल के कबाइल मिस्र से हिजरत करके फ़लस्तीन में आबाद हुए तो उनकी सल्तनत कायम होती चली गई। बाद में सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद फ़लस्तीन 2 अज़ीमुश्शान सल्तनत में तकसीम हो गई। जुनूबी सल्तनत यहूदा और शुमाली सल्तनत इसराइल के नाम से जाना गया। 220 सालों में इसराइल में 30 बादशाहों ने हुकूमत की। बादशाह यहूराम के दौर में हज़रत अलयसा को मबूस किया गया। उस दौर में रियासत इसराइल में बिदात आम हो गई थी और अल्लाह की नाफरमानी भी बढ़ती चली गई, जबर और जुल्म करने वाले लोग पैदा होने लगे, लेकिन हज़रत अलयसा अलैहिस्सलाम खिदमत खल्क और तबलीग दीन में मसरूफ़ रहे। आप वाज़ और नसीहत के ज़रिया लोगों में वहदानियत का प्रचार करते और दीन हक की तबलीग व इशात के सिलसिले में हर कोशिश करते।
उस ज़माने में हज़रत अलीसा के साथ एक हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया जो तौरेत के किताब सलातीन में मौजूद है, जिसके मुताबिक एक मरतबा हज़रत अलीसा अलैहिस्सलाम दावत तबलीग के सिलसिले में बैत ईल की तरफ सफ़र कर रहे थे। उस दौर में वो शहर बुराइयों और बुत परस्ती का मरकज़ था। यहाँ के लोग बातिल देवताओं की पूजा करते और जो उनके माबूदों के ख़िलाफ़ कहता वो उन्हें कत्ल कर दिया करते थे। लिहाजा जब बैत ईल के लोगों को ख़बर हुई कि अलीसा उनकी तरफ आ रहे हैं जिन्होंने देवताओं के ख़िलाफ़ बगावत की है, तो उन्होंने कुछ नौजवानों को ये ज़िम्मा दिया कि वो हज़रत अलीसा को रास्ते में ही रोक दें और उन्हें तकलीफ़ पहुँचाए, यहाँ तक कि वो वापस लौट जाएं और शहर में दाखिल ना हो पाएं। तकरीबन 40 जवानों की एक जमात शहर बैत ईल के सरहद पर खड़े हो गए और उन्होंने अलीसा अलैहिस्सलाम का रास्ता रोक दिया। दरअसल हज़रत अलीसा के सर के बाल नहीं थे और अहद जवानी में ही आपके बाल ख़त्म हो गए थे, जबकि बनी इसराइल में उस शख्स को खुदा की रहमत से महरूम और धुतकारा हुआ माना जाता था जिसके सर के बाल जवानी में ही झड़ जाएं। लिहाजा इस बात की आड़ में बैत ईल के लोग अलीसा अलैहिस्सलाम और आपके नबूवत का मजाक बनाने लगे। ये 40 जवान अलीसा अलैहिस्सलाम पर तंज व ताना कसने लगे और उन्हें मजबूर करने लगे कि वो वापस चले जाएँ। चुनांचा हज़रत अलीसा ने उन आवारा और बदबخت लोगों के ख़िलाफ़ दुआ की और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में मदद तलब की। लिहाजा खुदावंद खुदा ने अलीसा अलैहिस्सलाम की पुकार सुन ली और अचानक उस वीराने में कहीं से दो रीछ नमूदार हुए जो नहायत ही खूंखार थे और गुस्से की हालत में दहाड़ रहे थे। उन रीछों ने बनी इसराइल के उन जवानों पर हमला कर दिया जिससे वो बुरी तरह ज़ख्मी हो गए। कुछ ही देर में खून में लथपथ नौजवान ज़मीन पर बिखरे हुए थे और अब वो रीछ वहाँ से भाग चुके थे। ये अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत अलीसा अलैहिस्सलाम के लिए एक गैबी मदद थी, जिससे बनी इसराइल पर यह बात वाज़ह हो गई कि अल्लाह अपने मुकर्रब बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता और उनके मुकर्रब बंदे कभी राह हक में तन्हा नहीं हैं। रिवायतों में आता है कि बाद में बनी इसराइल कभी अलीसा अलैहिस्सलाम की फरमा बरदारी करते तो कभी उनकी मुखालफत करते, लिहाजा हज़रत अलीसा अलैहिस्सलाम हमेशा गमगीन रहा करते थे। आखिर में उन्होंने अल्लाह ताला के दरबार में ये दुआ की कि उन्हें आसमानी फरिश्तों का साथ मिले। जब उनकी दुआ बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल हो गई तो उन्होंने बनी इसराइल के ही एक नेक बंदे जिनका नाम ज़ुल्किफ़्ल था उन्हें अपने पास बुलाया और उन्हें अपना खलीफा बना लिया और इसके बाद आपकी रूह कब्ज़ कर ली गई।